एक भालू और 10 भेड़िए, यहाँ जीत किसकी होगी? एक प्यूमा और भालू के बीच होने वाली इस जंग का अंत कैसा होगा? और क्या एक भालू बाघ को हरा पाएगा? भालू खतरनाक शिकारी होते हैं, जिनमें ताकत तथा साहस कूट कूट कर भरा होता है। तो क्या आप इस खतरनाक शिकारी का भयानक रूप देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम इस जानवर का असली रूप आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जंगली सुअर। भालू किस तरह जंगली सुअर का शिकार करते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ वीडियो में भालू ने अच्छे से अपने शिकार पर शिकंजा जमाया हुआ है, इसीलिए जंगली सुअर भी भालू की ताकत के आगे बेबस है। शिकार पर पकड़ बनाने के बाद भालू उसको काटने लगा। ऐसा होता देख सुअर तेजी से हाथ पांव मारने लगा, लेकिन अफसोस कि भालू की ताकत के आगे उसकी एक न चली और इन महाशय को अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसा ही एक और वीडियो वाइल्ड में फिल्माया गया, जहां जंगली सुअर का काफिला भालू से बचने के लिए जोरों शोरों से भाग रहा था, मगर इसके बावजूद भालू अपनी तेज रफ्तार की वजह से शिकार को पकड़ने में कामयाब रहा। यहां जंगली सुअर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन मदद क्या कोई उसे देखने तक नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि इस समय भालू के पास जाना मौत को दावत देने के समान होगा। हिरण। यहाँ वीडियो में हिरण का काफिला घास चर रहा था कि तभी इस जगह भालू का आगमन होता है और वो इन जानवर की तरफ बढ़ने लगा। इस खतरनाक शिकारी को पास आता देख सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन ऐसा होते देख भालू ने एकदम से गति पकड़ी। हिरण भले ही अच्छे रनर होते हो, लेकिन भालू भी कुछ कम नहीं होते। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उस हिरण का पांव पत्थर से जा टकराया, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसी पल भालू ने हिरण को दबोच लिया और उसकी कहानी यही खत्म हो गई। बारहसिंघा। दोस्तों, इस वीडियो में एक बारहसिंघा नदी को पार कर रहा था कि तभी भालू की नजर उस जानवर पर पड़ जाती है और वो शिकार करने के लिए दौड़ पड़ा। भालू के सूंघने की ताकत कमाल की होती है, इसीलिए बारहसिंघा के इतना दूर होने के बावजूद भी भालू को उसकी भनक पड़ गई। यहाँ जिंदगी तथा मौत के बीच का खेल शुरू हो गया था और भालू ने शिकार करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। भालू को पास आता देख यह जानवर जान बचाने के लिए वापस पानी में उतर गया। शिकार के दिशा बदलते ही भालू ने भी दिशा बदल दी और आखिरकार पानी में ही उसने अपने शिकार को धर दबोचा तथा किनारे पर लाकर उसके मांस से दावत उड़ाने लगा। भालू। वाइल्ड में मादा से संबंध बनाने के लिए नर भालू आपस में जंग लड़ते हैं और इस वीडियो में आप ऐसे ही दो भालू को लड़ता देख रहे हैं। भालू ने अपने पंजों से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और वो एक दूसरे को काटकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खतरनाक जानवर के बीच होने वाली लड़ाई कांटे की होती है और यहाँ जीतने वाला भालू मादा से संबंध बनाने का हकदार होगा। भेड़िए। हमारी इस अगली वीडियो में भालू शिकार करने के बाद दावत उड़ा रहा था कि तभी भेड़िए का काफिला उसका शिकार हथियाने की कोशिश करने लगा, मगर भालू कहां पीछे हटने वाला था, इसलिए वो भेड़ियों पर टूटने लगा, लेकिन देखते ही देखते यहां भेड़ियों का पूरा काफिला इकट्ठा हो गया। इस काफिले में 10 से भी अधिक भेड़िए थे, लेकिन भालू फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। भेड़िए सभी दिशा से भालू पर हमला करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन पास जाकर शिकार हथियाने में सबको डर लग रहा था। भेड़िए संख्या में भले ही अधिक थे, लेकिन साहस तथा ताकत के मामले में ग्रिजली भालू अकेले ही इन सब पर भारी था, इसीलिए उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। जंगली सांड। जंगली सांड तथा भालू के बीच होने वाली यह लड़ाई कमाल की थी। इस लड़ाई में पहले तो भालू इस जानवर से बचकर भाग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने इस जंगली सांड को दबोच लिया। भालू बड़े ही हिंसक तरह से अपने शिकार को काटने लगा। यह जानवर भालू के शिकंजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके जवाब में भालू ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। लड़ते लड़ते यह दोनों जानवर नदी में जा पहुंचे और आप सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। पानी में उतरने के थोड़ी ही देर बाद इस जानवर की हिम्मत जवाब दे गई
और भालू के आगे उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, जिससे भालू को अपने परिवार के लिए अच्छा खासा भोजन मिल गया। पहाड़ी बकरियां। इस वीडियो में जंगली बकरियों का काफिला हरी भरी घास चर रहा था कि तभी अचानक एक ग्रिजली भालू उनकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब तक उन बकरियों को इस बात की भनक लगती, तब तक भालू उनके पास पहुंच चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो बकरियां पहाड़ से नीचे दौड़ने लगी और भालू भी उनका पीछा करने लगा। लेकिन पहाड़ी बकरियां इन इलाकों में काफी तेज होती है, इसीलिए उन्होंने भालू को पीछे छोड़ दिया। बाद में भालू ने पहाड़ पर बची बाकी बकरियों की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी भालू को चकमा देकर बेहद तेजी के साथ इस शिकारी जानवर के चंगुल से बचकर भाग गई। वालरस। इस वीडियो में यह पोलर बेयर इतना भूखा था कि उसने वालरस के काफिले पर हमला करने का फैसला किया। वालरस बड़े ही खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं, जो अपने लंबे दांतों से भालू को भी घायल कर सकते हैं। आकार में इतने विशाल तथा भारी भरकम होने के बावजूद वालरस इस जानवर से डरकर भागने लगे। लेकिन मौका देख पोलर बेयर भी शिकार करने टूट पड़ा और अपने शिकार का चयन करने के बाद उसने हमला करना शुरू किया। मगर थोड़ी ही देर बाद उसे मालूम हो गया कि यह काम कितना जोखिम भरा था, इसीलिए उसने अपने कदमों को पीछे हटा लिया। इसके बाद उसने एक और वालरस पर बड़ी ही सावधानी से हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो जानवर भी पोलर बेयर के हाथों से बचकर पानी में भाग गया और एक बार फिर पोलर बेयर के हाथों नाकामी लगी। प्यूमा। इस वीडियो में एक प्यूमा काफी समय से भालू पर नजर गड़ाए हुए था, जो गलती से प्यूमा की टेरिटोरी में आ गया था। इस बात से नाराज यह जानवर भालू पर हमला करने चल पड़ा। प्यूमा को पास आता देख भालू पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बेचारे भालू की किस्मत इतना खराब थी कि पेड़ की छाल कमजोर होने की वजह से वो नीचे आ गिरा। आखिर में उस भालू को प्यूमा से लड़ाई करनी ही पड़ी। इन दोनों खतरनाक जानवरों के बीच लड़ाई काफी टक्कर की थी, लेकिन थोड़ी ही देर में प्यूमा को समझ आ गया कि भालू से दुश्मनी लेना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तब वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।